गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और उपद्रवियों और शरारती तत्वों की बातों पर न आए। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि पिछले दो दिन में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर अब तक 48 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली में पिछले दो दिनों से शांत है, कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है और इसी बीच दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। एक तरफ जहां अंकित शर्मा की हत्या के केस में आप से सस्पेंड पार्षद ताहिर हुसैन पर 302 के तहत केस दर्ज हुआ है, वहीं दिल्ली हिंसा की जाँच के लिए 2 SIT का गठन हुआ है और इस मामले को ट्रांसफर किया गया है। SIT का नेतृत्व DCP जॉय तिर्की और DCP राजेश देव कर रहे हैं। एडिशनल CP क्राइम ब्रांच इन दोनों SIT को सुपरवाइज करेंगे। एक SIT में 4 ACP, 12 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर के अलावा 12 हेड कांस्टेबल शामिल हैं।